बुलंदी लंबे समय तक किसके हिस्से में रहती है, ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। एक मेरा भी छोटा सा कर्तव्य बनता है कि मैं भी उनकी सपोर्ट करूं। प्रिय साथी एक बात बताऊं तो अंत में खान सर की आज वो वीडियो आई थी, उसने अपने चैनल पे कहा था ये आज मेरे यूट्यूब की अंतिम वीडियो है। तब उन्होंने कहा था कि माता सीता को जब 14 वर्ष का वनवास मिला था तो वहां से रावण उनको श्रीलंका ले जाता है, उसके बाद 14 वर्ष के बाद वो उन्हें घर लौटती है। तब वहां जितने भी साम्राज्य के लोग थे सभी कहने लगे कि अब ये उसके पास रावण के पास उधर श्रीलंका में जाकर आई है तो हो सकता है चरित्रहीन हो चुकी हो। लेकिन माता सीता ने अग्नि परीक्षा देकर अपने चरित्र की वो प्रस्तुति की थी। तो ऐसे ही मैं कहना चाहूंगा कि देखो माता सीता ने क्या सोचा था और क्या निकला, फिर बाद में वो जमीन के अंदर समाधि लेती हैं। उसने ये सोचने के लिए 14 वर्ष का वनवास काटा था क्या कि मेरे को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, है ना। तो अब समझो कि खान सर ने जो YouTube चैनल बनाया था ये सोच के लिए, ये सोचकर बनाया था क्या कि YouTube पर उनको ऐसी आज इस मुद्दे पर इतना उनको खुलासा दिया जाएगा, है या नहीं है। तो क्या खान सर लेकर आपके नाम अमित सिंह बोल रहे हो खान, अरे तो नाम से क्या होता है, क्या इंसान नाम से जाना जाता है? नहीं सर, काम से जाना जाता है। रियल है आपकी वास्तविकता है, काम से ही जाना जाता है। अभी मेरे प्रिय विद्यार्थी सहयोग करेंगे कि खान सर को यूट्यूब छोड़ने नहीं दूंगे। आज उनकी जो वीडियो डाली है उसके नीचे कमेंट करो कि सर हम आज आपका दिल से पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आज मैं भी आप अभी कमेंट करूंगा कि पूरा दिल से सर आपको हम सपोर्ट करेंगे और आपको यूट्यूब चैनल छोड़ने नहीं देंगे। कहते हैं बुलंदी लंबे समय तक किसके हिस्से में रहती है, ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। खतरे में इसलिए रहती है जैसे जैसे इंसान ऊंचा जाता है ऐसे ऐसे अनेक परिस्थितियां आती हैं। मीडिया वालों से कितना ऊंचा चला गया तो मीडिया वाले घबरा गए, तब मीडिया वालों ने सोचा कि इसको रोका जाए इस व्यक्ति को, वरना ये हमारे चैनल बंद करवा देगा। बंद क्यों? क्योंकि जितनी भी करंटली न्यूज थी आपने देखा होगा कोरोना वाली, भारत के अंदर देखा जाए तो कोरोना की जो वैक्सीन की यानी को क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या प्रभावशील होते हैं, वो बातें जो बताने वाले व्यक्ति थे सर्वप्रथम इतनी अच्छी गहराई से अच्छा अध्ययन करके बताया वो खान सर ने बताया था, तब मीडिया वालों ने सोचा कि हमारा तो इन्होंने पूरा सिस्टम ही खराब कर दिया, ऐसी न्यूज़ तो हम ही नहीं ला पा रहे। तो मीडिया से इसलिए उन्होंने मुद्दा बनाया कि इस व्यक्ति को कैसे ना कैसे करके यहाँ से निकाला जाए। अच्छे अध्यापक है, अच्छे अध्यापक की गुणवत्ता हमेशा जिंदा रहेगी। कोई भी दुनिया में अच्छा अध्यापक बना है उसकी गुणवत्ता रही है, चाहे प्राचीन काल से देख लो। प्राचीन काल में सर क्या, प्राचीन काल में आपने नाम सुना और चाणक्य, अरे उस एक चाणक्य ने पूरे नंद वंश को समाप्त कर दिया था। तो कही जाए कि मास्टर बिचड़ो खराब हुआ है नहीं, तो अब एक अकेले व्यक्ति ने कितने मीडिया वालों को दबा रखा आप ये सभी जानते हो। और मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी हमारे अग्रण अध्यापक है जो वो सभी सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरा भी एक छोटा सा कर्तव्य बनता है कि मैं भी ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करूं। तो आप भी जितना ज्यादा हो सके इतना सपोर्ट करना और कमेंट में मेरे को बताइए कि खान सर हमें यूट्यूब पर रहने चाहिए। सर का सपोर्ट करना। जय हिंद, वंदे मातरम।